आजकल कई कपल शादी के कई साल बाद ही अपनी जिंदगी में बच्चे के आने का फैसला करते हैं। कभी कभी देर से फैसला लेने की वजह से उन्हें निसंतानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई दंपति हैं जो बच्चे की चाह रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस सुख से वंचित रह जाते हैं। हालांकि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग इस समस्या से निपटने के लिए डॉक्टरों, विशेषज्ञों और दवाओं का सहारा लेते हैं और उनकी इच्छा पूरी भी हो जाती है, लेकिन कई का संघर्ष जारी रहता है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ज्योतिषीय उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार उपायों के बारे में। माना जाता है कि अगर महिला को गर्भधारण करने में दिक्कत हो रही है तो उसे लाल गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर आप लाल गाय को घर में नहीं रख सकते तो नियमित रूप से किसी गौशाला जाकर लाल गाय को खाना और पानी दान करें। साथ ही घर में भूरा कुत्ता पालना भी इस समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अगर आप लंबे समय से घर में बच्चे की किलकारियां सुनने की आस लगाए बैठे हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए यह उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी भेंट करें और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। ज्योतिष में माना जाता है कि कभी कभी महिलाओं को गर्भधारण करने में समस्याएं पितृ दोष या किसी और वजह से भी हो सकती है। इससे निजात पाने के लिए शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र को कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दिया जाए। ज्योतिष शास्त्र का यह उपाय कारगर साबित हो सकता है। ऐसा करने से गर्भपात का खतरा भी कम हो जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। कई बार घर में नकारात्मक माहौल बनने की वजह पितृ दोष भी हो सकता है। अगर पितृ दोष को दूर नहीं किया जाता है तो इसका दंपत्ति पर भी बुरा असर पड़ सकता है और उन्हें संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है। ज्योतिषीय उपायों द्वारा पितृ दोष को शांत किया जा सकता है। इसके लिए आप पूजा पाठ करवाएं या फिर नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करना भी सहायक हो सकता है। यह ध्यान रखें कि ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और नियमित व्यायाम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तनाव से बचें और सकारात्मक सोच रखें, धैर्य रखें और हार ना मानें। उम्मीद है कि ये ज्योतिषीय उपाय आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।